नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेयर्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन आईपीओ के बारे में जो कि आने वाला है बहुत ही जल्द। आपको 29 सितंबर अर्थात परसों से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी बेहतरीन आईपीओ है, ये हमारा यूटीआई एएमसी आईपीओ, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में से एक है। तो आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं की फैक्ट्स अबाउट यूटीआई एएमसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिसिल यूटीआई एएमसी लार्जेस्ट एएमसी है इंडिया में, 7th लार्जेस्ट एमसी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर देखते हैं इतना बिलियन हमारा जो है 1500 बिलियन का मतलब ये एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस कंपनी के अंदर। तो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो काफ़ी धमाकेदार आईपीओ ये होने वाला है। तो चलिए आईपीओ के बारे में हम सारा चीज़ जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जान लीजिए। इस कंपनी के कई सारे प्रमोटर्स हैं। तो प्रमोटर्स में यहाँ पर आप देखते हैं कि जो SBI है, LIC है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये सारे इसके प्रमोटर्स हैं। और साथ साथ कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है देख सकते हैं, और साथ साथ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी काफ़ी जंप किया है। मिलियन में है तो 10 से डिवाइड कर देंगे करोड़ में होगा। 18 में प्रॉफिट था 405 करोड़ आफ्टर टैक्स, और देख सकते हैं 19 में हो गया प्रॉफिट 347 करोड़, और यहाँ 20 में फाइनेंशियल 20 में था 276 करोड़, और ये जून क्वार्टर में तो देख सकते हैं अकेले है हमारा 101 करोड़ प्रॉफिट है इस म्यूचुअल फंड कंपनी का, तो काफ़ी बेहतरीन है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट ये भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखिए टोटल एसेट जो कंपनी का मैनेजमेंट के अंडर है वो भी यहाँ से मिलियन को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 2900 करोड़, मतलब 2900 करोड़ इतना एसेट मैनेजमेंट था, वहाँ से बढ़ करके ये हो गया आपको 3263 करोड़। तो काफ़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो होता रहा है, तो मतलब कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। साथ ही साथ सबसे लार्जेस्ट कंपनी है म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट में। और यहाँ पर देखते हैं इश्यू साइज जो है ये हमारा है 2159 करोड़, 2159 करोड़ का, और इसका जो प्राइस होगा आईपीओ का वो होगा आपका 52 से 54, मतलब आपको कट ऑफ प्राइस पे ही ये स्टॉक्स मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा तो आपको नीचे के प्राइस पर तो मिलने से रहा, उसमें भी लॉटरी सिस्टम से आपको कुछ ही आदमी को मिलेगा आईपीओ। तो इसीलिए आपको ये आईपीओ ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपने पीछे कोई आईपीओ प्राप्त नहीं किया है तो आपको मतलब पेशेंस नहीं खोना है, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मार्केट अगर नीचे गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने नहीं मिलता है तो निश्चित है कि आपको इसमें काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आपको प्राप्त होगा। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन प्राप्त मिल सकता है अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है। और मार्केट लॉट इसका जो है 27 शेयर का है, 29 सितंबर से ये चालू होगा, 1 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो अपना UPI मैंडेट है वो 2 अक्टूबर तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट 7 अक्टूबर को होगा, और रिफंड जो है आपको 8 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा, और शेयर जो क्रेडिट होगा आपको 9 अक्टूबर को, और आईपीओ का जो लिस्टिंग होगा वो होगा आपको 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को आपको आईपीओ जो है लिस्ट हो जाएगा। तो ये सारे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन थे इसका मतलब जो कंपनी है उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर देखिए QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 50% है, NI 15%, और रिटेल के लिए 35% रिजर्व है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है, साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें सब्सक्रिप्शन भी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन कंपनी है तो काफ़ी लोग इसमें अप्लाई करेंगे, और काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आपको प्राप्त हो सकता है अगर मार्केट में गिरावट नहीं आती है तो। तो दोस्तों ज़रूर इस कंपनी के लिए आप अप्लाई करें। आईपीओ मिलता है आपको शेयर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे कुछ क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।